स्टोरेज। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों आज के वीडियो में हम यहाँ पर सिम पिन के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर आपका सिम पिन होता है। सिम पिन मतलब क्या, सबसे पहले वो जानो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आपका पैर है, जब आप रनिंग करते वक्त आपका यहाँ पर जो हड्डी है, हड्डी की जो ऊपर थोड़ा मसल होते हैं वो पेन करते हैं, और बहुत पेन करते हैं। वहाँ पर स्विमिंग बहुत फास्ट होता है, हार्ड वर्कआउट करने की वजह से होता है। मतलब आप वार्म अप तो अच्छे से करते हैं, स्ट्रेचिंग भी करते हैं, लेकिन जब हार्ड वर्कआउट करोगे उसमें, अगर आप रोड पर रनिंग करते हो उसके साथ अगर आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हो, एक्स्ट्रा हार्ड वर्कआउट करते हो, लोड होने पर वहाँ पर पेन होता है। और उसको रिलैक्स करने के लिए वहाँ के हम स्ट्रेंथ बढ़ेंगे। स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आपका सिम पिन ख़त्म होगा। आप अगर 10 या 15 दिन भी अच्छे से वर्कआउट करोगे, वो एक्सरसाइज को अगर आप करते हैं, तो आपका सिम पिन जड़ से ख़त्म हो जाएगा। और उस एक्सरसाइज को आप हर रोज़ कर सकते हैं। और बहुत सारे प्लेयर के, बहुत सारे के लड़कों की प्रॉब्लम है कि वहाँ पर सिम पिन हो जाता है, अच्छे से वर्कआउट कर नहीं पाते। वर्कआउट तो अच्छे से करना है, लेकिन सिम पिन होता है। सिम पिन के वजह से वर्कआउट आप कर नहीं पाते। तो हम 2 या 3 एक्सरसाइज करेंगे, उसको करने से आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है और आपका सिम पिन नहीं होता। तो यहाँ पर कैसे करना है देखो, सबसे पहला यहाँ पर एक्सरसाइज हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको हाथों को ऊपर करना है और सिर्फ टॉपर चलना है। चलो स्टार्ट। इस तरह से एक्सरसाइज अगर आप करोगे तो आपका सिम पिन नहीं होगा, आपके वहाँ की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और आप वर्कआउट करने के बाद ऐसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। और आप 10 मीटर में आप एक एक्सरसाइज करो और ऐसे आप 3 सेट लगाओ, फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो। बाकी आप कैसे हो, आप भी अच्छे से प्रैक्टिस करो, सिम पिन की एक्सरसाइज करो, आपको फर्क पड़ेगा। फिर नेक्स्ट देखो, फिर आपको इस तरह से हिल पर चलना। हिल पर मतलब आपको पंजों को आपको ऊपर खींचना है, और सिर्फ हिल में आपका जो नी है उसको घुटना है, उसको बेंड नहीं करना। ऐसे अगर आप 10 मीटर में 2 या 3 सेट करोगे तो आपके पूरे पैर भर जाएंगे और आपको रिलैक्स महसूस होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। ये 2 एक्सरसाइज हुई, इसके आप 2 या 3 सेट करना 10 मीटर में, हर रोज करना। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको हिल पर चलना है। सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपको दोनों हाथों को इस तरह से आपको पकड़ना है और इसे आपको चलना है। थोड़ा पेंड को क्या आपको करना है, सिर्फ टॉपर करना है। ज़्यादा ट्राई करना है कि आपको हिल पर कैसे चढ़। यस, ये बेस्ट एक्सरसाइज है, इससे आपका सिम पिन में बहुत फर्क पड़ता है, आपके जो मसल में स्ट्रेंथ बढ़ते हैं और आपका सिम पिन खत्म होता है। बस इस तरह से एक्सरसाइज आप करो, 10 मीटर में करो, आपको बहुत फर्क पड़ेगा। तो इसी तरह से एक्सरसाइज करो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने एक्सरसाइज देखे होगी किस तरह से आपको करना है। सो वर्कआउट करने के बाद आप इस तरह से एक्सरसाइज करो, आपको बहुत फर्क पड़ेगा। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।